हेलो, हमारा आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या चीज़ होती है? जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, न्यूट्रिशन का मतलब है वो प्रोसेस जिससे हमारी बॉडी फूड को अंदर ले जाती है और यूज़ करती है। सो द प्रोसेस बाय विच द फूड टेक्स बॉडी टेक्स इन फूड दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। हमने ये भी पढ़ा था न्यूट्रिशन से खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, हम मेंटली अलर्ट रहते हैं और हमें बीमारियां नहीं होती हैं। नाउ हमने ये पढ़ा था कि न्यूट्रिशन जो है बहुत तरह का होता है। वन ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड खाते हैं फ्रॉम ईदर प्लांट और एनिमल, फिर उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को हम ब्रेक करते हैं इंटू सिंपल ऑर्गेनिक फूड लाइक ग्लूकोज। किसकी मदद से ब्रेक करते हैं? इंजाइम्स की मदद से। इंजाइम में कुछ बायोकेमिकल्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल ऑर्गेनिक फूड में ब्रेक करने में मदद करते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ह्यूमंस में होता है, डॉग्स में भी होता है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि सॉलिड फूड को मुँह में डालना, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि इंजाइम को बॉडी से बाहर रिमूव करना ताकि हम फूड को अपनी बॉडी से बाहर डाइजेस्ट कर सकें और सिंपल फूड को एब्जॉर्ब कर सकें। कॉमन एग्जांपल इज़ फंगस एंड बैक्टीरिया। इसके अलावा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, रेडीमेड फूड को किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेना जिसे हम होस्ट कहते हैं, जैसे कि लीचेस, ये हम कर चुके हैं। नाउ अगर आप देखें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन हमारे पास तीन तरह का होता है। द फर्स्ट काइंड इज़ हर्बीवॉर्स। हर्बीवॉर्स का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवॉर्स, वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ मीट खाते हैं। और ओमनीवॉर्स, जो प्लांट भी खा सकते हैं और मीट भी खा सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स भी हमने पढ़ा था, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स वो फूड का पार्ट होता है जो हमारे खाने में नेसेसरी होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये हमें एनर्जी देता है। उसके अलावा प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ये हमें ग्रो करने में मदद करता है, हमारी बॉडी को रिपेयर करता है और न्यू मसल्स बनाने में मदद करता है। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स होते हमारे बेसिकली सिक्स बेसिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, जो ब्रेड में और आटे में और चावल में प्रेजेंट है। सेकेंड, हमारी प्रोटीन्स जो मीट में, फिश में, एग्स में और दालों में प्रेजेंट होता है। थर्ड, फैट्स जो घी में, बटर में, तेल में और दूध में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा हमारे पास विटामिन्स हैं जो सब्जियों में होते हैं और मिनरल्स हैं जो हमारे पास फ्रूट्स में प्रेजेंट हैं। वाटर को भी हम एक न्यूट्रिएंट का सोर्स ले सकते हैं। सो आफ्टर डिस्कसिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट वी रिक्वायर इन द बॉडी, लेट्स डिस्कस कि सारे ऑर्गेनिज्म में खाना आता कहाँ से है। तो अब जानते हैं कि एनर्जी का सारा अल्टीमेट सोर्स हमारा सन है। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि सन से फोटोसिंथेसिस होती है और प्लांट खाना बनाते हैं और प्लांट्स अपना खाना एनिमल को देते हैं। तो एनर्जी सन से पहले प्लांट में आई और फिर प्लांट से एनिमल्स में गई। देयरफॉर सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, पॉइंट वन। अब खाना मिलता कहाँ से है? प्लांट हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है। प्लांट खुद भी खाना बनाता है और जो जानवर इसे खाना देता है, इसे प्लांट्स को खाता है, वो उसे भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये प्लांट्स हैं। दीज प्लांट्स मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, सन की एनर्जी लेकर, और इसे ग्रास हॉपर खा रहा है। सो ग्रास हॉपर को भी एनर्जी मिल रही है, राइट? ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को भी एनर्जी मिल रही है। इनडायरेक्टली फ्रॉग को एनर्जी प्लांट से ही मिल रही है, बिकॉज अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ग्रास हॉपर नहीं होगा, फ्रॉग भी मर जाएगा। फ्रॉग को हमारा स्नेक खाएगा, स्नेक को भी इनडायरेक्टली एनर्जी प्लांट से मिल रही है, बिकॉज इफ दे आर नो प्लांट्स दे विल बी नो ग्रास हॉपर, दे विल बी नो फ्रॉग एंड दे विल बी नो स्नेक। तो सारे ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली आपके प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं। नाउ अब देखते हैं जानवर ज़्यादातर खाना लेते कैसे अपनी बॉडी में। दिस इज़ कॉल्ड अ हमिंग बी, हमिंग बर्ड, या हमिंग बर्ड है, छोटी सी चिड़िया होती है जो फूलों से खाने को लेती है। इसका खाना है नेक्टर, ये फ्लावर्स का जूस लेती है और ये अपनी बीक की मदद से उसे चूस लेती है। अगर छोटे छोटे बेबीज़ की हम बात करें तो ये छोटे बेबीज़ मिल्क को सक करते हैं, चूस लेते हैं, राइट?
अगर हम बात करें बड़े एनिमल्स की, जैसे कि स्नेक, इफ़ यू टॉक अबाउट स्नेक्स, यहाँ देखिए स्नेक्स, तो स्नेक्स पूरे के पूरे खाने को स्वैलो कर लेता है, ये निगल लेता है सारे के सारे एनिमल को। आप देख रहे हैं ये बड़ी सी लिजर्ट को स्वैलो कर रहा है। स्नेल्स बाइट करते हैं, दे हैव स्मॉल टीथ, तो ये बाइट करके खाना खा सकते हैं। अगर हम डिस्कस करें एंट्स को, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एंट्स हैं, एंट्स के पास अपने खुद के माउथ पार्ट्स होते हैं, ये देखिए, और इसके वजह से ये खाने को खा सकते हैं। अगर हम ईगल्स की बात करें, ईगल के पास बीक्स होते हैं बट दे डोंट हैव टीथ, दांत नहीं होते इनके पास, तो ये मीट को टेयर ऑफ करते हैं, दे टेयर ऑफ मीट, टेयर ऑफ मीट। ये फ्ली है, दिस इज़ अ फ्ली या लाइस, जू, इसके खुद के माउथ पार्ट्स होते हैं जिससे ये हमारा खून चूस सकती है। दिस इज़ अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में आप यहाँ देख रहे हैं, यू कैन सी दिस पार्ट, ये इसका माउथ पार्ट है, इससे ये खाने को, नेक्टर को चूस सकता है, फ्लावर से नेक्टर को चूस सकता है। ये मक्खी है, मक्खी के पास भी एक इसी तरह का पार्ट होता है जिसके वजह से वो फ्लावर जूसेस को या खून को या लिक्विड्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। चलिए आज के लिए यहीं तक करते हैं, हैव अ नाइस डे।